सुप्रीम कोर्ट में एसवाईएल पर हरियाणा के साथ केजरीवाल सरकार। दिल्ली सरकार के वकील बोले, पंजाब नहीं रोक सकता हरियाणा का पानी। अकाली दल का आम आदमी पार्टी पर पलटवार, धोखा देने वालों से बचे पंजाब के लोग। एसवाईएल के मुद्दे पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। पंजाब सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा गया और मामले में अब अगली सुनवाई 11 अप्रैल को होगी। पंजाब बीजेपी में हुआ बड़ा फेरबदल। केंद्रीय राज्य मंत्री विजय सांपला को पंजाब बीजेपी का नया अध्यक्ष बनाया गया। विजय सांपला होशियारपुर से सांसद हैं और पार्टी हाईकमान ने सांपला को पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। सांपला को पंजाब बीजेपी का नया अध्यक्ष बनाए जाने के बाद विजय सांपला ने जी पंजाब हरियाणा हिमाचल से बातचीत में पार्टी हाईकमान की इन नई जिम्मेदारी के लिए शुक्रिया किया और भरोसे पर खरा उतरने की बात कही। सांपला ने कहा कि पंजाब में बीजेपी मजबूत है और फिर से सरकार बनाएगी। विजय सांपला के नए प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने को लेकर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लुधियाना में कहा कि इससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं पंजाब बीजेपी अध्यक्ष पद पर सांपला की ताजपोशी को आम आदमी पार्टी ने एक्सपेरिमेंट करार दिया। सुच्चा सिंह छोटेपुर इस बाबत दिल्ली का उदाहरण देते हुए नजर आए। दिल्ली के चुनाव के दौरान भी बीजेपी ने किरण बेदी को आगे किया था, लेकिन उनका दाव फेल साबित हुआ। उसी तरह पंजाब में भी विजय सांपला को आगे करके बीजेपी जोखिम मोल रही है। बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष विजय सांपला जलंधर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय के नारे लगाए और विजय सांपला ने कहा कि उन्हें बहुत खुशी है कि पार्टी ने उन्हें इस लायक समझा और वो इसके लिए पार्टी का धन्यवाद करते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री विजय सांपला को पंजाब बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने की खबर मिली तो चंडीगढ़ में उनके समर्थक खुशी से झूम उठे और सेक्टर 37 के बीजेपी कार्यालय में धूल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया गया। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल शुक्रवार को अमृतसर पहुंचे, जहां उन्होंने सांपला को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाने को लेकर कहा कि ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है। साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी ने जस्सी जसराज को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से जस्सी जसराज को 6 साल के लिए आम आदमी पार्टी ने बाहर निकाला है। पंजाब आम आदमी पार्टी के संयोजक सुच्चा सिंह छोटेपुर ने जस्सी जसराज को पार्टी से बाहर निकाले जाने की पुष्टि की। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने शुक्रवार को मानसा जिले के करीब आधा दर्जन गाँवों में संगत दर्शन किया। जस्सी जसराज को आम आदमी पार्टी से निकाले जाने को लेकर उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी घर को तो संभाल नहीं सकती, पंजाब क्या संभालेगी। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह शुक्रवार को लुधियाना पहुंचे। यहां उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से उनकी समस्याएं जानी, साथ ही पार्टी के मैनिफेस्टो के लिए उनके सुझाव भी मांगे। इस दौरान कार्यकर्ताओं से कैप्टन के सामने कई सामाजिक समस्या का जिक्र तो किया ही, साथ ही पार्टी में सम्मान न मिलने को लेकर भी अपनी भड़ास निकाली। लुधियाना में कॉफी विद कैप्टन कार्यक्रम में अमरिंदर सिंह ने छात्रों के सवालों के जवाब दिए। बादल परिवार पर साधा निशाना, 2017 के चुनाव को बताया अपना आखिरी चुनाव। बोले, कांग्रेस युवाओं को देगी ज्यादा से ज्यादा टिकट। फतेहगढ़ साहिब में सरहिंद की अनाज मंडी में पंजाब के कृषि मंत्री तोता सिंह ने अचानक दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों को मंडियों में किसी किस्म की परेशानी नहीं आने दी जाएगी, जिसके लिए वो खुद अनाज मंडियों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वो अपनी फसल को पूरी तरह सुखा कर ही मंडियों में ले जाएं, जिससे फसल बेचने में उन्हें किसी किस्म की कोई दिक्कत पेश न आए। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के किसान बैंक के प्रधान और महासचिव अहबाब गरेवाल ने कहा कि पंजाब की मंडियों में किसानों को आने वाली परेशानी को दूर करने के लिए आम आदमी पार्टी ने एक कवायद शुरू की है। इसके लिए आम आदमी पार्टी मंडियों में एक टोल फ्री नंबर जारी किया है।
पंजाब की अनाज मंडियों में गेहूं की आमद शुरू हो गई है। सरकार और प्रशासन गेहूं के सीजन की शुरुआत को लेकर पुख्ता इंतजाम के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन फाजिलका की अनाज मंडी की जमीनी हकीकत कुछ और ही है। इस मंडी की सड़कें टूट चुकी हैं, जगह जगह गंदगी का आलम है, न पीने के लिए पानी का इंतजाम है और न ही शौचालय साफ है, बल्कि शौचालय में तो पशु मरे पड़े हैं। उधर फाजिलका मार्केट कमेटी के चेयरमैन का कहना है कि मंडी में सब ठीक है और सफाई भी वक्त पर की जा रही है। दिल्ली में ऐतिहासिक गुरुद्वारा सीसगंज साहिब के बाहर से हटाए गए प्याऊ को फिर से बनाए जाने का कोर्ट ने कड़ा रुख लिया है और दिल्ली हाईकोर्ट ने दोबारा बनाए गए प्याऊ को फिर से हटाने के आदेश दिए। हाईकोर्ट ने इसके लिए दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान मनजीत सिंह जीके और महासचिव मनजिंदर सिंह सिरसा के खिलाफ नोटिस जारी किया है, जिसके बाद दोनों कोर्ट में पेश हुए। दोनों ने कहा कि प्याऊ हटाए जाने का आदेश स्वीकार नहीं किया जा सकता और वो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है। शीशगंज गुरुद्वारे मामले पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि कोर्ट के निर्देश हैं, इसमें दिल्ली सरकार का कोई लेना देना नहीं। दिल्ली सरकार की तरफ से कोर्ट में कहा गया है कि शीशगंज के प्याऊ से उन्हें कोई समस्या नहीं है और दिल्ली सरकार दिल्ली में कई जगह प्याऊ लगाने जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब में चुनाव है, ऐसे में बीजेपी जानबूझकर दिल्ली सरकार को बदनाम कर रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान जलंधर में पार्टी की तरफ से फंड इकट्ठा करने के लिए आयोजित लंच में पहुंचे। उन्होंने कहा कि पंजाब में उन्हें इस तरह के कार्यक्रम में लोगों से सहयोग मिल रहा है और साथ ही कहा कि आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है और चुनाव में चलने वाली वोटों की खरीद फरोख्त की वजह से राजनेताओं में सेवा भावना खत्म हो गई। मसूद अजहर के नाम पर एनआईए कोर्ट ने निकाला वारंट। पठानकोट पर पाकिस्तान के धोखे को यूएन में ले जाने की तैयारी। मसूद को इंटरनेशनल आतंकी घोषित कराने के लिए भारत यूएन को देगा कुछ और सबूत। पंजाब में हाई अलर्ट जारी होने के बावजूद फिरोजपुर में कार सवार 5 अज्ञात लोगों ने एक शादी वाले घर पर 15 मिनट तक अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके बाद घर के लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। बदमाश फायरिंग कर फरार हो गए। आसपास के लोगों ने जल्द ही पुलिस को सूचना दी। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी और पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। चंडीगढ़ में सेक्टर 22 के एक दुकानदार ने श्री आनंदपुर साहिब से सांसद प्रेम सिंह चंदूमाजरा के काफिले में तैनात सुरक्षा कर्मियों पर मारपीट के आरोप लगाए। दुकानदार गुरप्रीत का आरोप है कि उसने अपनी गाड़ी प्रेम सिंह चंदूमाजरा की गाड़ी के पास लगाई तो इस पर सुरक्षा कर्मियों ने उसके साथ मारपीट की, लेकिन उधर प्रेम सिंह चंदूमाजरा का आरोप है कि गुरप्रीत नशे में था और उसने जवानों के साथ बदसलूकी की। बरनाला में लुटेरों का कहर लगातार जारी है और इस बार लुटेरों ने एक किसान को निशाना बनाया। रात के वक्त लुटेरे किसानों के खेतों में लगे 4 ट्रांसफार्मर लेकर फरार हो गए और जब इस मसले पर पुलिस से बात की गई तो उन्हें लूट के बारे में कोई जानकारी नहीं। जालंधर के शहीद भगत सिंह स्पोर्ट्स और कल्चरल क्लब की तरफ से 19 मार्च से 23 मार्च तक करवाए गए टूर्नामेंट के लिए जालंधर में देश विदेश से आए पहलवानों का सम्मान किया गया। साथ ही इस मौके पर कहानीकार वरयाम सिंह संधू को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान पाकिस्तान से खास तौर पर आए पहलवान तारिक अहमद ने कहा कि इस तरह के टूर्नामेंट दोनों देशों को जोड़ते हैं और आपसी तनाव को कम करते हैं। मोहाली के सेक्टर 70 में कम्युनिटी सेंटर में कृषि विभाग की तरफ से किसानों को फसलों की जानकारी देने के लिए कृषि मेला आयोजित किया गया। इस दौरान योजनाओं और सहायक धंधों से जुड़ी जानकारी देने के लिए एक प्रदर्शनी लगाई गई। कृषि मंत्री राजेश कुमार शर्मा ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की तरफ से किसानों के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं, लेकिन किसानों में जागरूकता की कमी है। अमृतसर में नवरात्र की धूम देखने को मिली। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। माता के जयकारों से माहौल भी भक्तिमय हो गया है। नवरात्र के पहले दिन माँ जहां शैलपुत्री की पूजा की जाती है तो वहीं आज माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जा रही है। पंजाब की 25 खबरों के बाद बारी है हरियाणा की 25 खबरों की।
आज महेंद्रगढ़ को मिलेगी कई बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रगति रैली के दौरान कर सकते हैं कई बड़ी योजनाओं का ऐलान। गुड़गांव में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के समापन समारोह में भी करेंगे शिरकत। हरियाणा की मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रोहतक के महम पहुंचे, जहां उन्होंने जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के प्रभावितों से मुलाकात की और सीएम ने कहा कि जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा एक बुरा सपना था और अब लोगों को इस बुरे सपने को भूलकर सद्भाव और भाईचारे की तरफ बढ़ना चाहिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को नए साल और नवरात्र की शुभकामनाएं दी और कहा कि नवरात्र हमें कुछ नया करने की उमंग देते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि नए साल पर वो भरोसा दिलाते हैं कि अगले एक डेढ़ साल में इतना विकास करेंगे कि जो ना तो कभी भूतकाल में हुआ था और ना ही भविष्य में होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जाट आरक्षण आंदोलन से प्रभावित महम के 109 लोगों को मुआवजा बांट दिया गया है। 24 शिकायतें बाद में आई हैं और उसका मुआवजा 5 लाख रुपए बनता है, जो एक हफ्ते के भीतर बांट दिया जाएगा। और उन्होंने कहा कि नुकसान की एकदम भरपाई करना मुश्किल होता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने झज्जर में नवनिर्मित बस स्टैंड का उद्घाटन किया। ये बस स्टैंड 38 एकड़ में बना है। इस बस स्टैंड को बनने में करीब 33 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसे प्रदेश का सबसे बड़ा बस स्टैंड कहा जा रहा है। इस बस स्टैंड से देश के हर राज्य में बस सेवा उपलब्ध होगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि एसवाईएल का फैसला हरियाणा के लोगों के हित में आएगा। जल्द ही हरियाणा के लोगों को भाखड़ा बांध का नीला पानी मिलेगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार में भ्रष्टाचार पर रोक लग रही है। इसका सीधा उदाहरण झज्जर जिला प्रशासन ने दिया। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सबसे बड़े बस अड्डे के लिए प्रदेश सरकार ने 50 करोड़ की राशि प्रदान की थी, लेकिन प्रशासन ने पूरे बस स्टैंड का काम सिर्फ 33 करोड़ में पूरा कर दिया और 17 करोड़ की राशि को बचाया। साथ ही मुख्यमंत्री ने बादली विधानसभा को जल्द ही उपमंडल का दर्जा दिए जाने की बात भी कही। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कई अवैध कॉलोनियों को भी पक्का करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोडवेज विभाग निजी बसों को किराए पर लेगा, जिनका संचालन हरियाणा रोडवेज विभाग के ड्राइवर और कंडक्टर करेंगे। मुख्यमंत्री ने मंच से कहा कि जल्द ही दिल्ली के धौला कुआं से हवाई रेल चलाई जाएगी, जो 15 मिनट में ये सफर तय करेगी। साथ ही प्रदेश में 13 नए ओवरब्रिज बनाए जाएंगे और 34,000 करोड़ की लागत से सड़कों का निर्माण किया जाएगा। और मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले डेढ़ साल में 9 नए नेशनल हाईवे का निर्माण हुआ है। हिसार में शुक्रवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 14 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने यहां के पुराने गवर्नमेंट कॉलेज मैदान में विकास रैली को संबोधित किया। साथ ही हिसार में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के लिए सर्वे करवाने की भी बात कही। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हिसार में इलेक्ट्रिकल शमशान घाट बनाया जाएगा। ये शमशान घाट हरियाणा का पहला शमशान घाट होगा। सतलुज यमुना लिंक नहर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान राजस्थान और दिल्ली सरकार ने हरियाणा के पक्ष में हलफनामा दिया और दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि पंजाब हरियाणा के हिस्से का पानी नहीं रोक सकता और इस मामले में अगली सुनवाई 11 अप्रैल को होगी। सूखे पर सुप्रीम कोर्ट कई राज्यों पर सख्त रुख दिखा चुका है, जिसमें गुरुवार को हरियाणा सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। इस बारे में हरियाणा के कृषि मंत्री ओपी धनखड़ का कहना है कि वो मानते हैं कि प्रदेश में पानी की कमी है और हरियाणा को 20 करोड़ एकड़ फीट पानी की जरूरत है। कृषि मंत्री ने कहा कि उन्हें एसवाईएल पर सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि इसमें हरियाणा के साथ इंसाफ होगा। कृषि मंत्री हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 8 एलुमिनाई कन्वेंशन एंड नेशनल सेमिनार ऑन एग्रीकल्चर फंक्शन का उद्घाटन करने पहुंचे थे और इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि जब तक किसान अपने सामान की अच्छी मार्केटिंग नहीं करेगा, उसको वो लाभ नहीं हो सकेगा। इसलिए किसानों को मार्केटिंग पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जाट आरक्षण आंदोलन की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी के इंचार्ज डीएसपी सिद्धार्थ टांडा ने खुलासा किया है कि प्रदेश में जाट आंदोलन को हिंसक बनाने के पीछे वकील सुदीप कलकल और मनोज दोहन जिम्मेदार हैं। उनका कहना है कि उनके एक ऑडियो क्लिप उन्हें मिली है, जिसमें साफ हो रहा है कि सुदीप कलकल किसी से बात कर रहा है और हिंसा को भड़काने का काम कर रहा है।
आपको बता दें कि रोहतक में जाट आंदोलन को भड़काने के आरोप में पुलिस ने करीब 20 दिन पहले वकील सुदीप को गिरफ्तार किया था और पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान सुदीप ने ऑडियो में अपनी बात होने को भी स्वीकारा है। एसआईटी जांच ने बताया कि कैप्टन अभिमन्यु का घर चलाने के मामले में अभी तक करीब 17 लोगों को काबू किया गया। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने आरएसएस को लेकर किए गए अपने ट्वीट पर कहा कि उन्होंने जो ट्वीट किया है वो बिल्कुल सही है। अनिल विज ने कहा कि आरएसएस अकेली ऐसी संस्था है जो राष्ट्रद्रोहियों के डीएनए को बदल सकती है। उन्होंने कहा कि लोगों को खुद सोचना चाहिए कि सही क्या है। हरियाणा मिशन एकता संघर्ष समिति 12 अप्रैल को रोहतक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने जा रही है और हरियाणा मिशन एकता संघर्ष समिति की प्रदेश अध्यक्ष कांता आलिया ने जानकारी दी। कहा कि 12 अप्रैल को रोहतक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाएगी। इस मौके पर असल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्र मौजूद रहे। 3 अप्रैल को रोहतक के सद्भावना सम्मेलन में दिए योग गुरु बाबा रामदेव के विवादित बयान ने उन्हें अदालत के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। बाबा रामदेव के इस बयान को लेकर कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे वरिष्ठ नेता सुभाष बत्रा ने रोहतक कोर्ट में याचिका दायर कर उनके खिलाफ देशद्रोह और धार्मिक उन्माद फैलाने समेत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज करने की मांग की, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एसपी को जांच के आदेश दिए और 30 अप्रैल तक जांच रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुभाष बत्रा ने बाबा रामदेव को बाबा कहने पर भी सवाल खड़े किए, साथ ही कहा कि वो बाबा नहीं बल्कि एक व्यापारी है। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भारत माता की जय बोलने से इनकार करते हुए कहा था कि ऐसा करने के लिए संविधान में नहीं लिखा गया है। चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस में फैशन शो के दौरान अचानक फायरिंग शुरू हो गई। पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को हिरासत में लिया है। इस फायरिंग में एसओआई के प्रधान मनप्रीत सिंह समेत 3 लोग जख्मी हुए। फायरिंग के साथ साथ वहां खड़ी कारों में तोड़फोड़ भी की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। यमुनानगर के एक निजी कॉलेज में पढ़ने आई जम्मू की एक छात्रा ने प्रोफेसर पर अश्लील एमएमएस भेजने का आरोप लगाया, जिसके बाद छात्रों ने कॉलेज में जमकर हंगामा किया। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में कुछ दिन पहले एक युवक पर 5 लोगों ने जानलेवा हमला किया था और उसको गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस मामले में आरोपियों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। भिवानी जिले से 8 किलोमीटर की दूरी पर देवसर धाम में मां भगवती मंदिर लोगों के लिए आस्था और श्रद्धा का प्रतीक बना हुआ। बताया जा रहा है कि ये मंदिर करीब 750 साल पुराना है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के शक्तिपीठ श्री देवी कूप भद्रकाली मंदिर में नवरात्र महोत्सव का आगाज श्रद्धा पूजन के साथ हुआ। बड़ी तादाद में श्रद्धालु माता के काली स्वरूप के दर्शन करने पहुंचे। चैत्र नवरात्र को लेकर इस बार पंचकुला में मनसा देवी मंदिर में खास इंतजाम दिखाई दे रहे हैं और ये साल मनसा देवी मंदिर की स्थापना का 200वां साल। हिसार के देवी भवन मंदिर में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए जुट रहे हैं। पंजाब हरियाणा की बात बारी है हिमाचल की 25 खबरों। नेता विपक्ष प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल का आरोप, किसान बागवानों से सरकार ने की है ठगी। कहा 3 साल के कार्यकाल में सिर्फ 990 किसानों और बागवानों को ही दी है सब्सिडी, लेकिन विधायकों और मंत्रियों की वेतन बढ़ोतरी का किया समर्थन। हिमाचल प्रदेश में मंत्रियों और विधायकों के वेतन बढ़ाए जाने का शिमला नगर निगम के उप महापौर टिकेंद्र पवार ने किया विरोध, बोले ये जनता का पैसा है। शिमला में पानी की किल्लत से जल निजात मिलने की बड़ी उम्मीद, मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अश्विनी खर से जल्द जलापूर्ति बहाल करने के दिए निर्देश। शिमला में बढ़ रही पानी की किल्लत को लेकर फूटा लोगों का गुस्सा, नाराज लोगों ने खाली बर्तन लेकर टूटू चौक पर प्रदर्शन किया। पानी की समस्या से जूझ रही टूटू की जनता का कहना है कि उन्हें कई दिनों के लंबे इंतजार के बाद पानी मिल रहा है। वहीं सीटू नेता विजेंद्र बेहरा ने चेतावनी दी कि टूटू के लोगों को पानी की समस्या से जल्द निजात नहीं मिली तो मजबूरन उन्हें जनता को लामबंद का चक्का जाम करना पड़ेगा।
आईपीएच विभाग को भी इस बाबत पत्र लिखकर पानी की सप्लाई 45 एमआईटी करने की मांग की गई है। दरअसल शिमला में दिसंबर महीने में फैले पीलिया ने पानी की सबसे बड़ी समस्या पैदा कर दी। 2 जनवरी को अश्विनी खड्ड का पानी बंद कर दिया गया था और उसके बाद से आईपीएच विभाग शिमला में 30 से 35 एमएलडी पानी ही दे पा रहा है। जनवरी 2016 से लागू होगी केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 6% की बढ़ोतरी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की बड़ी लापरवाही। चंबा जिले के प्राथमिक स्कूलों में 5वीं क्लास के बच्चों को पर्यावरण की किताब गलत छापे जाने की वजह से गलत जानकारी दी जा रही है। पर्यावरण की इस किताब में पेज नंबर 48 पर नदियों और बांधों से जुड़ी जानकारी दी गई है जो कि गलत है। प्राथमिक पाठशाला नेला के मुख्य अध्यापक नंदलाल शर्मा भी इस बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखते हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने इस बारे में विभाग को अवगत करवाया है। जब इन गलतियों के बारे में चंबा जिले के उप शिक्षा निदेशक से बात की गई तो उन्हें इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। चंबा जिले में 1668 प्राथमिक स्कूल है जिनमें पढ़ने वाले बच्चों की तादाद हजारों में है। एक किताब में हुई गलती से कितने बच्चों का भविष्य दांव पर लग सकता है। कौनसा में लूटपाट और चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह में शामिल एक सदस्य को पुलिस ने लूट के सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को बद्रीपुर में बाइक और पैसे समेत गिरफ्तार किया। ऊना के रहने वाले शिव कुमार के घर वापसी हो गई है। 6 साल बाद घर लौटे शिव कुमार ने जी मीडिया का धन्यवाद किया। शिव कुमार 2010 में सऊदी अरब गया था और एजेंट की धोखाधड़ी के कारण ना ही उसे नौकरी मिली और ना ही पैसे। शिव कुमार दमाव में कई सालों से फंसे रहे। मीडिया ने भी शिव कुमार की खबर को प्रमुखता से दिखाया जिसके बाद प्रशासन और सरकार की तरफ से शिव कुमार को मदद मिली। शिव कुमार का कहना है कि उसकी तरह कई भारतीय ट्रैवल एजेंट्स के जाल में आकर सऊदी अरब में फंसे हुए हैं। 6 साल बाद घर लौटे शिव कुमार ने परिवार के साथ मिलकर खुशी जाहिर की और परिवार ने भी जी मीडिया का धन्यवाद किया। नवसंवत के मौके पर शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में पहली बार विश्व हिंदू परिषद की तरफ से बेहद अनूठे तरीके से हिंदू नववर्ष मनाया गया। इस खास आयोजन में बच्चों से लेकर बुजुर्गों और महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। राज्यपाल ने कहा कि पश्चिमी संस्कृति के मुताबिक कई लोग उस वक्त नया साल मनाते हैं जब सृष्टि अपने नकारात्मक रूप में होती है। शिमला में कालीबाड़ी मंदिर में भी नवरात्र की धूम देखने को मिल रही है। यहाँ पर मंदिरों में नवरात्र को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। चैत्र मास के नवरात्रों के आगमन के साथ ही चिंतपूर्णी मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया है।